क्लास सेकेंड. टुडे वी विल डू एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर टू द बलून रेस. एंड योर फर्स्ट एक्सरसाइज इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर दीज सेंटेंसेस एंड वन हैज बीन डन फॉर यू. तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो आपको बताना है कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं. ओके, तो द चिल्ड्रन आर ऑन अ स्कूल पिकनिक. तो जो चिल्ड्रन थे वो स्कूल पिकनिक पर थे, नहीं ना? किस पर थे वो? वो थे फैमिली पिकनिक पर. तो दिस इज ट्रू फॉल्स. नेक्स्ट, द चिल्ड्रन गो टू पार्क ऑन अ सैटरडे इवनिंग. तो जो चिल्ड्रन थे वो कौन से दिन गए थे पिकनिक पर? सैटरडे इवनिंग? नहीं, संडे इवनिंग को गए थे. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. ओके, नेक्स्ट, द चिल्ड्रन आर हैप्पी अबाउट गोइंग टू किडी पार्क. तो जो चिल्ड्रन थे वो किडी पार्क में पिकनिक के लिए जाने के लिए बहुत हैप्पी थे. यस, दिस इज ट्रू. तो लिखेंगे टी. द मंकीज वॉन्ट टू प्ले विद द बैलून्स. जो मंकी थे वो भी बैलून के साथ खेलना चाहते थे, तो ये भी ट्रू है. यस, एंड व्हेन अ बलून बर्स्ट इट मेक्स अ लाउड साउंड. जब बलून फूटा तो उससे बहुत तेज वाला साउंड जो है, पॉप साउंड जो था वो निकला था. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. द चिल्ड्रन बर्स्ट द बलून टू मेक द मंकीज लाफ. मंकीज को हंसाने के लिए चिल्ड्रन ने बलून को फोड़ा था? नहीं, तो वो मंकी से ही जो बलून जब वो ऊपर लेकर जा रहे थे तभी वो फूटा था ना. तो दिस इज फॉल्स. ओके, तो इस तरीके से आपको करनी है ये एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में. नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज बी, कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. उसमें आप देख रहे हैं कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और आपको ये ब्लैंक्स में उसमें से करेक्ट वर्ड्स चूज करके आपको लिखने हैं. ओके, द नायर फैमिली गोज टू द पार्क विद देयर. किसके साथ गई थी नायर फैमिली जो पिकनिक मनाने के लिए लोग गए थे? किसके साथ गए थे? अपने नेबर्स के साथ में गए थे ना. यस, तो नंबर वन, द नायर फैमिली गोज टू द पार्क विद देयर नेबर्स. ओके, नेक्स्ट, ऑल द चिल्ड्रन डिसाइड टू हैव अ डैश. सारे ही चिल्ड्रन ने क्या डिसाइड किया, क्या करना चाह रहे थे वो लोग? यस, रेस करने के लिए डिसाइड किया, कुछ फन करने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि रेस करते हैं, है ना. नेक्स्ट, द डैश ग्रैब द बलून्स फ्रॉम द चिल्ड्रन. किसने उनके जो बलून थे चिल्ड्रन के जो बलून्स थे वो किसने झपट लिए थे? मंकीज ने ले लिए थे. जब वो लोग रेस के लिए उसको लेकर रेडी हुए तो मंकीज ने उनको ले लिया था. तो नंबर थ्री, द मंकीज ग्रैब द बलून्स फ्रॉम द चिल्ड्रन. ओके, नंबर फोर, द मंकीज गेट अ फ्राइट व्हेन द डैश बर्ड बर्स्ट. तो क्या बर्स्ट होने पर मंकी जो थे वो काफी डर गए. लास्ट ऑप्शन बचा है आपका फोर, दैट इज बलून्स. द मंकीज गेट अ फ्राइट व्हेन द बलून बर्स्ट. ओके, तो ये था आपका एक्सरसाइज बी. अभी आपको क्या करना है, एक्सरसाइज सी में आपने स्टोरी को केयरफुली सुना होगा, वीडियो को देखा. तो अब आपको क्या करना है, इसमें आपको जो यहाँ पर सेंटेंसेस दिए हुए हैं इन सेंटेंसेस को आपको नंबरिंग करनी है करेक्ट ऑर्डर में, कि क्या इसमें एक्शन जो है वो पहले हुआ था, कौन सा एक्शन उसके बाद हुआ था. ओके, तो विच एक्शन हैपन फर्स्ट, नंबर दैम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम 1 to 5. ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है. यस, देखिए, नंबर वन,
आपका दिया हुआ है यहाँ पर दिस इज नंबर 5। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले आपने देखा कि सारे आप रीड करेंगे, द चिल्ड्रन स्टैंड इन टू रोज एंड द चिल्ड्रन स्टैंड विद द बलून्स, 5 मंकीज जंप डाउन फ्रॉम द ट्रीज, द पेरेंट्स हेल्प द चिल्ड्रन टू ब्लो अप द बलून। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले चिल्ड्रन जो थे वो टू रोज में खड़े हुए थे, है ना, उसके बाद ही तो रेस स्टार्ट होनी थी ना, तो द चिल्ड्रन स्टैंड इन टू रोज, तो नंबर 1 इज दिस। ओके नेक्स्ट, उसके बाद द पेरेंट्स हेल्प द चिल्ड्रन टू ब्लो अप द बलून्स, उसके बाद जो उनके पेरेंट्स थे उनको उनके बलून्स को ब्लो किया, है ना, तो नंबर 2 इज दिस। उसके बाद द चिल्ड्रन स्टैंड विद द बलून्स, और वो बलून्स लेकर के सारे चिल्ड्रन जो हैं वो रेस के लिए रेडी हो गए, खड़े हो गए, दिस इज नंबर 3। एंड 5 मंकीज जंप डाउन फ्रॉम द ट्रीज, और तभी क्या हुआ, जो 5 मंकीज ट्री के ऊपर बैठे हुए थे उन्होंने ऊपर से जंप कर दिया, सो दिस इज नंबर 4। एंड लास्ट द बलून्स बस्ट, और उसके बाद वो बलून क्या हो गए, बस्ट हो गए, फूट गए, है ना। तो इस तरीके से एक्सरसाइज ABC आपको अपनी नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में कंप्लीट करना है। ओके, दिस इज टुडेज होमवर्क, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर, टिल देन बाय बाय।